हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मधुबन्स पब्लिकेशन विंड चाइम बुक फ्रॉम क्लास 8, माय लॉस्ट डॉलर लेसन नेम। ओके, एंड राइटर नेम इज स्टीफन लीकॉक। सो लर्निंग द राइटर नेम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? My lost dollar writer name is Stephen Leacock. He born in 1869 and died in 1944, right? And he was an international popular Canadian humorist, educator, lecturer, and author. For more about for People's Folies, right? And Stephen Leacock Memorial Medal for Humor was named in his honor, right? He is best remembered for his best-selling book, Sunshine Sketches of a Little Town. Okay, so Stephen Leacock was a famous writer, you know all. And his book was famous book was उनकी जो famous book थी that was Sunshine Sketches of a Little Town। इनकी best selling मतलब इनकी जो book थी सबसे ज़्यादा बिकी हुई जो book थी that was Sunshine Sketches of a Little Town, right? So he was famous writer and educator, lecturer and author, okay? तो हम चलते हैं, वी विल नॉट वेस्ट टाइम, वी विल स्टार्ट द लेसन। ओके, तो इन दिस लेसन राइटर इज़ गोइंग टू राइट, राइटर इटसेल्फ इज़ अ नरेटर, राइटर खुद इस स्टोरी को नरेट कर रहा है, कह रहा है, राइट? सो ही इज सेइंग दैट माय फ्रेंड टोड, तो ही राइटर इज सेइंग माय फ्रेंड टोड ओज मी अ डॉलर, owes me a dollar. Owes means repay in return for something received, right? उधार लेना, right? तो he was owed it to me for 12 months and I fear there is a little prospect for his ever returning it. I fear, मुझे डर था, right? कि there is a little prospect. कि prospect means hope, राइट? ऑफ इज एवर रिटर्निंग इट, कि मुझे ये डर था कि वो वापस करेगा या नहीं करेगा, राइट? सो आई कैन रियलाइज वेन एवर आई मीट हिम दैट ही हैज़ फॉरगेटन दैट ही ओज मी अ डॉलर, राइट? आई कैन रियलाइज, मैं ये रियलाइज कर सकता हूँ कि वेन एवर I meet him that he has forgotten that he owes me a dollar. जब भी मैं उससे मिलता हूँ मुझे फील होता है कि आई होप ही has forgotten the dollar, कि जो उसने पैसे उधार लिए थे forgotten वो भूल गया है, right? He meets me in the same frank friendly way as always. वो मुझसे जब भी मिलता है frank, यानी कि फ्रैंक रूप से मिलता है, राइट? जैसे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको, फ्रेंडली वे एज ऑलवेज, जैसे फ्रेंडली ही मिलता है, जैसे कि मेरा फ्रेंड है तो फ्रेंडली ही मिलता है, राइट? तो इसमें फ्रैंक जो यहाँ पे आपको कलर में दिखाया गया, आप नीचे देखेंगे तो उसका वर्ड मीनिंग दिया गया, फ्रैंक मीन्स ऑनेस्ट दिया गया, राइट? तो यहाँ पे फ्रैंक मीन्स ऑनेस्ट दिया गया है, तो जब भी मिलता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरी ऑनेस्ट, ये जैसे कि जैसे हमेशा मिलता है वैसे डॉलर लेने के बाद भी मिलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माई डॉलर हैज़ क्लीन गॉन आउट ऑफ हिज माइंड, तो माई डॉलर हैज़ क्लीन गॉन आउट ऑफ द हिज माइंड मीन्स मेरा डॉलर, मेरे पैसे उसके दिमाग से बिल्कुल चले गए थे। आई सी दैट।
से दोबारा नहीं पाऊंगा, वापस नहीं पाऊंगा। तो राइटर इज सेइंग व्हाट डज क्लीन गॉड आउट ऑफ द माइंड, व्हाट इज द राइटर सेइंग, व्हाट डज इट मीन। सो क्लीन गॉन आउट ऑफ द माइंड मीन्स कि उसके दिमाग से पूरी तरह चला गया, ये कोई चीज़ भूल जाना। जैसे कि इफ़ यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम योर फ्रेंड राइट एंड यू फॉरगेट टू गिव हिम और गिव हर, जैसे कि हम आप अपने फ्रेंड से को कभी कोई आप आइसक्रीम खाने गए राइट और आपने बोला कि आप मुझे पैसे दे दो मैं आपको बाद में दे दूँगा राइट। तो इस तरीके से जो पैसे आपने लिए अगर यू टेकन एंड फॉरगेटन टू गिव हिम बैक और हर बैक, सो दैट इज़ द क्लीन गॉन आउट ऑफ द आउट ऑफ हिज माइंड मीनियर। ओके सो ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट पर हम चलेंगे। तो ऑन द अदर हैंड आई नो दैट दो ऑन अदर हैंड आई नो दैट मैं जानता हूँ दैट आई शैल रिमेंबर ऑल माई लाइफ दैट टोड ओज मी ए डॉलर, कि आई शैल रिमेंबर मुझे अवश्य याद रहेगा पूरी लाइफ कि टोड ने मुझसे पैसे उधार लिए, डॉलर पैसे लिए। इट विल मेक नो डिफरेंस आई ट्रस्ट टू अवर फ्रेंडशिप बट आई शैल नेवर बी एबल टू फॉरगेट इट, लेकिन माई आई ट्रस्ट टू अवर फ्रेंडशिप, मैं अपनी फ्रेंडशिप को मैं विश्वास करता हूँ राइट आई बिलीव इन, बट आई शैल नेवर बी फॉरगेट टू इट, लेकिन मैं इसके लिए नहीं बोल सकता हूँ राइट। तो आई डोंट नो हाउ इट इज़ विथ अदर पीपल, मैं नहीं जानता कि ये दूसरे लोगों के साथ कैसे होता है। बट इफ़ एनी मैन बारोज ए डॉलर फ्रॉम मी, कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे पैसा लेता है, डॉलर लेता है, तो आई कैन द कलेक्शन ऑफ इट टू द ग्रेव, रिकलेक्शन ऑफ इट टू द ग्रेव, आई कैरी द रिकलेक्शन ऑफ इट टू द ग्रेव। सो रिकलेक्शन मीन्स क्या कहा गया, रिकलेक्शन मीन कहा गया एक्शन ऑफ रिमेंबरिंग। तो कह रहा है कि अगर मैं किसी से पैसे लेता हूँ तो टिल एंड ऑफ द लाइफ मैं इसको याद जरूर रखूँगा राइट। तो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड की तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा राइट। सो तो इन दिस वे रिलेट व्हाट हैपेंड, आगे राइटर कहता है कि लेट मी रिलेट व्हाट हैपेंड, मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था राइट। टोड बारोड दिस डॉलर लास्ट ईयर ऑन द 8th ऑफ अप्रैल राइट, उसको डेट भी याद है। द टोड बारोड दिस डॉलर लास्ट ईयर ऑन द 8th ऑफ अप्रैल, आई मेंशन द डेट इन केस दिस शुड एवर मीट टोड साई, मैं ये डेट मेंशन कर दिया जिससे कि टोड की कभी नज़र पड़ जाए राइट। बर्मुडा इज़ अ प्लेस नेम राइट। तो ही नीडेड ए डॉलर इन चेंज टू पे हिज टैक्सी, उस समय उसको डॉलर की ज़रूरत थी टू इन चेंज टू पे हिज टैक्सी, टैक्सी को चेंज में देने के लिए उसे डॉलर की ज़रूरत थी। एंड आई लेंट इट टू हिम, और मैंने इसको दिया। इट हैपेंड क्वाइट सिंपली एंड नेचुरली, ठीक है, क्वाइट सिंपली एंड नेचुरली मीन्स जैसे कि आपको फ्रेंड के साथ आप हैं और किसी के पास चेंज नहीं है तो आपसे पैसे मांग लेता है कि आपके पास हैं क्या, आप मुझे दे दीजिए राइट। तो आप दे दीजिए मतलब दैट इज़ अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है, या और बिग अमाउंट। तो आप अगर आपके पास है तो इफ़ ही इज़ और शी इज़ अ क्लोज फ्रेंड तो यू कैन नॉट डिनाई राइट इन दैट टाइम राइट।
आई हार्डली रियलाइज इट टिल इट वॉज ऑल ओवर. मैं इसको हार्डली रियलाइज कर सकता हूँ कि इट ऑल ओवर, कि सब कुछ ख़त्म हो चुका था. इट्स ऑल ओवर, राइट. ही मेयरली सेड लेट मी हैव ए डॉलर विल यू, राइट. तो ही सेड कि देने से पहले उसको लगा कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि इट विल ऑल ओवर. ही मेयरली सेड, मेयरली मीन्स विथ हैप्पीनेस, खुशी के साथ. लेट मी हैव ए डॉलर विथ विल यू, क्या आपके पास एक डॉलर है, विल यू, आपके पास है क्या. एंड आई सेड, तो मैंने कहा सर्टेनली इज़ ए डॉलर एनफ राइट. तो क्या एक डॉलर काफ़ी होगा. आई बिलीव, इन फैक्ट आई नो दैट व्हेन टोड टुक दैट डॉलर ही मीन्ट टू पे इट बैक, राइट. सो आई बिलीव इन फैक्ट, तो उसको बिलीव था कि इफ टोड इज टेकिंग मनी फ्रॉम मी, राइट, तो ही विल डेफिनेटली रिटर्न इट बैक, राइट. इफ एनी वन टेकिंग मनी ऑन हिज नीड फ्रॉम एनी फ्रेंड और एनी रिलेटिव, तो ही इज सपोज टू रिटर्न इट बैक, राइट. सो वॉट वॉज इट मीन इट वॉट वॉज इट दैट द राइटर हार्डली रियलाइज. राइटर ने इसमें, जो नरेटर है, स्टोरी टेलर स्टीफन लीकॉक कहते हैं कि वॉट वॉज इट दैट द राइटर हार्डली रियलाइज. तो इसमें राइटर को क्या, इसमें हार्डली रियलाइज क्या हुआ, यू हैव टू आंसर योर सेल्फ, यू हैव टू रीड आउट द स्टोरी एंड आंसर योर सेल्फ. ओके, सो ही सेंट मी ए नोट फ्रॉम हैमिल्टन. आफ्टर दैट वो चला गया, एवरीथिंग हैपेंड, ही लेफ्ट द प्लेस, पैसे लेकर वो चला गया. एंड ही सेंट मी ए नोट फ्रॉम हैमिल्टन, ही मीन्स टोड, सेंट मी ए नोट, किसको भेजा, राइटर को, नरेटर को. तो ही सेंट मी ए नोट फ्रॉम हैमिल्टन बरमूडा, उसने एक नोट भेजा हैमिल्टन बरमूडा से. आई थॉट मीन्स राइटर थॉट, ओके, आई थॉट ओपन किया, तो उसने सोचा कि डेफिनेटली इसके अंदर डॉलर होगा, बट इट वॉज नॉट. ही मेयरली सेड दैट द टेम्परेचर वॉज अप टू नियरली 100. ही मीन्स टॉड. टॉड रिटन अबाउट द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस, राइट. The figure misled me for a moment. Misled means gave a wrong idea or a wrong impression, right? उसके दिमाग में wrong impression आया कि मैं क्या सोच रहा था और क्या लिख रहा है. He was wondering that he will get his dollar back, but he has written the note. He was writing about the temperature, okay? जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई दूसरी चीज़ को, लेकिन आपको कोई दूसरी चीज़ मिल जाती है, तो how your feeling will be in that time, okay? So, Toad come back in their weeks, right? Toad come back in 3 weeks, right? Toad come back in 3 weeks. I met him at the train, right? Not because of the dollar. Ab Toad come back in 3 weeks. Teen hafte mein wapas aaya. I met him at the train. Main usse train mein train par milne gaya. Not because of
द डॉलर, ऐसा नहीं कि वो पैसे लेने के लिए गया था, बट बिकॉज आई रियली इस्टीम हिम. इस्टीम मीन्स रिस्पेक्ट. आई रिस्पेक्ट हिम, राइट, बिकॉज ही वॉज हिज क्लोज फ्रेंड, राइट. आई फेल्ट इट वुड बी नाइस फॉर हिम टू सी समवन वेटिंग फॉर हिम ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट. सो ही वॉन्डर्ड, ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि इट वुड बी नाइस फॉर हिम, उसके लिए अच्छा होगा, उसको अच्छा लगेगा टू सी समवन वेटिंग फॉर हिम, जब कोई वेट कर रहा होगा. जैसे कि आप दिल्ली से आते हैं, मुंबई से आते हैं, होम टाउन आते हैं, या कहीं पर आप जाते हैं, तो इफ़ समवन वेटिंग फॉर यू ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म, राइट, कोई भी प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी आपको एस्कॉर्ट करने के लिए होता है, तो यू फील गुड, यू जस्ट चीयर अप, राइट, आपको एक बहुत ही खुशी मिलती है, राइट. सो आफ्टर बीइंग अवे फॉर 3 weeks, जैसे कि वो 3 हफ्ते से बाहर था, राइट. आई सेड लेट अस टेक ए टैक्सी अप टू द क्लब. यहाँ पे उसको टैक्सी लेने के लिए क्यों कहा, क्योंकि टैक्सी लेने के इसलिए कहा कि ही बोरोड मनी व्हेन ही टेकन द टैक्सी, राइट. सो ही सजेस्टेड टू टेक द टैक्सी, कि और टैक्सी अगर लेगा तो उसको एक बार याद ज़रूर आ जाएगा कि मैंने टैक्सी का पेमेंट करने के लिए मैंने पैसे उधार लिए थे, राइट. तो बट ये भी प्लान उस में वॉक करना चाहिए, राइट. तो व्हाट हैपेंड, सो वी स्पेंट द इवनिंग टुगेदर टॉकिंग अबाउट द बरमूडा, राइट. वी स्पेंट मीन्स राइटर एंड टॉट स्पेंट टुगेदर टॉकिंग अबाउट द बरमूडा. आई वॉज थिंकिंग ऑफ द डॉलर, राइटर वॉज थिंकिंग अबाउट द डॉलर, बट ऑफकोर्स आई डिडेंट रेफर टू इट, ओनली सिंपली कैन नॉट, मैं इसको डायरेक्टली नहीं कह सकता था, राइट, बिकॉज आई वॉज टोड वॉज राइटर्स क्लोज फ्रेंड. जैसे अपने फ्रेंड को हम कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, राइट, तो उसी तरह से राइटर भी नहीं कह पा रहा था. वाई वॉज द राइटर अनेबल टू आस्क अबाउट द डॉलर फ्रॉम टोट, क्यों नहीं कह पा रहा था, कि जैसे कि बहुत ही क्लोज रिलेशन जैसे होता है तो हम कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं कह पाते हैं, राइट. तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है कि राइटर इज नॉट एबल टू से एनीथिंग टू द टोड अबाउट द मनी, राइट. आई आस्क्ड हिम व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन बरमूडा. तो राइटर आस्क अबाउट द करेंसी, व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन बरमूडा, राइट, एंड वेदर द अमेरिकन डॉलर गोज एट पर, राइट. ई आस्क द अमेरिकन डॉलर कंडीशन, राइट. आई पुट ए स्लाइट एम्फेसाइज ऑन द अमेरिकन डॉलर. सो स्लाइट एम्फेसाइज मीन्स टू से विथ प्रेशर, राइट, किसी भी चीज़ को जोर दे के कहना ऑन द अमेरिकन डॉलर. बट फाउंड अगेन दैट आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू मेक एनी रेफरेंस टू इट. तो इतना करने के बावजूद भी इसका कोई फ़र्क मुझे नहीं लगा कि पढ़ा उसको. बट फाउंड अगेन दैट आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू मेक एनी रेफरेंस टू इट. तो मैं इसको जिस पर्पज़ से मैं इसको कहना चाह रहा था वो मैं इसको पूरा नहीं कर पाया, राइट. एंड इट टुक मी सम टाइम, इसने थोड़ा समय लिया. आई सी टोड प्रैक्टिकली एवरी डे एट माई क्लब, राइट. ये मुझे थोड़ा सा समय मैंने इसके लिए लिया. मैं टोड को देखता था प्रैक्टिकली एवरी डे एट माई क्लब, ठीक है, वो क्लब पर हमेशा रोज ही एवरी डे देखता था. टू रियलाइज़ दैट मीन्स इट टुक मी सम टाइम टू रियलाइज़ दैट
ही हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन द डॉलर। ठीक है, मुझे ये महसूस होने में, ये समझने में, अपने आप को मनाने में, यू कैन से ये रियलाइज़ करने में थोड़ा टाइम लगा कि ही हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन द डॉलर, टोड पूरी तरह से डॉलर के बारे में भूल गया था। आई आस्क्ड हिम वन डे व्हाट हिज ट्रिप कॉस्ट हिम एंड ही सेड दैट ही केप्ट नो अकाउंट्स। तो उसने पूछा, बातों को घुमा कर पूछ रहा है, राइट, कि उसने पूछा कि उसके ट्रिप का कॉस्ट कितना था। जैसे ट्रिप का कॉस्ट है तो ट्रिप इज़ रिलेटेड टू हिज जर्नी, उसने पेमेंट किया था डॉलर से, तो हो सकता है उसको याद आ जाए। तो ही आस्क अबाउट द ट्रिप कॉस्ट, तो उसको क्या जवाब मिला कि आई डोंट कीप द दैट ही केप्ट नो अकाउंट, वो कोई इसका हिसाब के ट्रिप एंड ही सेड ही हैड प्रैक्टिकली फॉरगॉटन अबाउट इट, राइट। तो कहता है कि ही वॉन्ट टू इफ ही फेल्ट सेटल डाउन आफ्टर हिज ट्रिप, ठीक है, तो एंड ही सेड दैट ही हैड प्रैक्टिकली फॉरगॉटन अबाउट इट, सो आई न्यू इट वॉज ऑल ओवर, राइट। तो सेटल डाउन के लिए कहता है कि आफ्टर द ट्रिप, वो सेटल डाउन के लिए कहता है, सो कि यू विल बी सेटल डाउन, यू विल रुक, आप रुकोगे जाओगे, एंड ही सेड दैट ही हैड प्रैक्टिकली फॉरगॉटन, तो ही हैज़ प्रैक्टिकली फॉरगॉटन अबाउट इट टू गेट सेटल डाउन, राइट। सो आई न्यू इट वॉज ऑल ओवर, यानी कि वो कई तरीके से अपनी बातें कह रहा था, बट नॉट एबल टू फोकस, नॉट एबल टू से डायरेक्टली टू हिम, राइट। सो इस वीडियो में यहीं तक हम पढ़ेंगे, इन सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो आप इसको पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, राइट। सो टिल देन यू कैन लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।